हिमाचल में टॉयलेट सीट पर टैक्स लगाने के मामले में एक बार फिर कांग्रेस सरकार पर सवाल खड़े हो रहे हैं। इसे लेकर विपक्ष कांग्रेस पर हमलावर है और विवाद के बाद सरकार ने अधिसूचना को वापस ले लिया है, यानी एक नए यूटर्न को लेकर एक बार फिर कांग्रेस सरकार की किरकिरी हो रही है। हिमाचल में एक बार फिर से सरकार का वो फैसला जिसको लेकर सरकार को यूटर्न लेना पड़ा है। टॉयलेट सीट सेस का ये पूरा मामला है जिस पर विवाद हुआ, सरकार ने एक फैसला लिया, उसके बाद विपक्ष ने निशाना साधा। आर्थिक संकट से जूझ रही हिमाचल सरकार एक बार फिर से सुर्खियों में है। कांग्रेस की सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार अब हिमाचल में आपके घर के शौचालय पर भी टैक्स लगाने की तैयारी में थी। सुनने में थोड़ा अटपटा जरूर है, लेकिन जो ताजा नोटिफिकेशन जल शक्ति विभाग की तरफ से जारी हुआ उसके मुताबिक सरकार ने कुछ ऐसा ही फैसला लिया था। हिमाचल में पानी के सरकारी कनेक्शन न लेने वाले लोगों पर सीवरेज टैक्स देने की तैयारी थी। ये सीवरेज टैक्स घरों में शौचालय सीट की संख्या के हिसाब से तय होना था। घर में शौचालय में प्रति टॉयलेट सीट 25 रुपए का टैक्स सीवरेज सेस के रूप में वसूले जाने की कोशिश में सरकार थी। हालांकि सिर्फ उन्हीं क्षेत्रों में लागू होना था जो सीवरेज लाइन एरिया के तहत आते हैं। हालांकि सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार के इस फैसले को लेकर राष्ट्रीय स्तर पर एक बार फिर से हिमाचल सुर्खियों में आ गया और हिमाचल के भाजपा नेताओं से लेकर केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण तक ने इसे लेकर हिमाचल की कांग्रेस सरकार पर हमला बोला। हिमाचल दौरे पर आए भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने भी इसे लेकर हिमाचल सरकार पर निशाना साधा। सुक्खू जी को देखो, उसने टॉयलेट पर भी टैक्स लगा दिया, अब इसको क्या कहे, मति भ्रष्ट बोले, क्या बोले, बुद्धि भ्रष्ट बोले, क्या बोले। उधर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भी इन खबरों का खंडन किया। उन्होंने कहा कि टॉयलेट सीट पर टैक्स लगाने जैसी कोई बात नहीं थी और प्रदेश सरकार कोई भी जन विरोधी फैसला नहीं ले रही है। नहीं, वो तथ्यों से परे है। हरियाणा चुनाव है, हरियाणा चुनाव को मद्देनजर रखे कभी हिंदू मुस्लिम की बात करती है, कभी सीवरेज की बात कर रहे हैं। इस बीच पूरे मामले को लेकर सरकार पर सवाल उठने के बाद सरकार ने अधिसूचना को वापस ले लिया। वहीं हिमाचल सरकार के अतिरिक्त मुख्य सचिव ओमकार शर्मा ने भी अधिसूचना वापस लिए जाने की पुष्टि की है। जब ये नोटिफिकेशन फाइनली उसमें माननीय डिप्टी सीएम को वेटिंग के लिए गई तो उन्होंने कहा कि ये देखने में कुछ अवसर लगता है, जो 25 रुपए का पर टॉयलेट का जो हमने सीवरेज चार्ज लगाया था उसको जो विड्रॉ कर दिया गया। यानी एक बार फिर से हिमाचल की कांग्रेस सरकार को अपने फैसले से यू टर्न लेना पड़ा है और इसकी वजह से एक बार फिर राष्ट्रीय स्तर पर हिमाचल की कांग्रेस सरकार की किरकिरी भी हो रही है। शिमला से कैमरा पर्सन राकेश कुमार के साथ धर्म प्रकाश, डीडी न्यूज। बिहार के उत्तर पूर्वी भाग में बहने वाली